बढ़िया जिंदगी जीने के लिए बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेते रहिए। अच्छी बहू वही है जो सबसे पहले भोर में जागती हैं तो धरती माता को प्रणाम करती हैं, रसोई में घुसती हैं तो अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करती हैं। पता नहीं आप करती हैं कि नहीं, जरूर करना। रात्रि का पहना हुआ वस्त्र कभी रसोई में पहन करके ना घुसना, प्रवेश मत करना। रात्रि में पहना हुआ वस्त्र बहुत अपवित्र होता है। रसोई भगवान का दिव्य मंदिर है, वहां शुचिता और प्रश्नता के साथ, शुद्धता के साथ प्रवेश कीजिए। रसोई में जब प्रवेश करो तो उसकी चौखट को प्रणाम करें। चौखट तो होती नहीं है, देहली टाइप की तो होती ही है वहाँ, उसे माँ अन्नपूर्णा को वंदन प्रणाम कहा जाता है। आपके घर में कभी भी बरकत में कमी नहीं आएगी। प्रसन्न होते हुए अति प्रसन्नता के साथ एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और अपनी सासू माँ को प्रणाम। इन तीन माताओं को तुम प्रणाम करती रहोगी, तुम्हारे बेटे इतनी तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की कि उनकी जन्म पत्रियां दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आनंद हो जाए। इनका आशीर्वाद नित्य लेते रहिए। जो चीजें हमारे पास नहीं है, जो इनके आशीर्वाद में है, हम लोगों के जो भी पूजा पाठ किया जावे और हृदय से कहीं किसी को भगवान को प्रार्थना करके कहें कि इनका कल्याण कर देना, वह कल्याण शब्द वहीं लागू होगा जहां जिन घरों में बुजुर्गों का आशीर्वाद, वृद्धों का आशीर्वाद मिलता रहता है। और यह विडम्बना है, साधुओं को खूब माना जाता है, उनके चरण छुए जाते हैं, उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई जाती हैं, लेकिन घर में बूढ़ा और बुढ़िया के लिए सूखे फुलके भी नहीं है। हमें काजू पिस्ता खिलाने से कुछ भी नहीं होगा। घर में उन वृद्धों का आदर करें, मान करें, उनका सम्मान करें, उन्हें तीर्थ यात्रा कराएं, इसमें कल्याण का साधन छिपा हुआ है। और इस धरती की बहुएं इतनी बड़भागी हैं, भाग्यशालिनी है वह है जिन्हें अपनी सासू माँ के संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनसे कभी अलग मत होना। संपूर्ण तीर्थों का दर्शन हो जाता है सुबह जब आप अपने कमरे में से नहा धो के निकलती हो ना। ये बूढ़ी तुम्हारी सासू माँ उस समय मंदिर में कुछ न कुछ कुटर मुटर करती हुई दिखती है। सुबह बहू अपने कमरे में से बाहर निकल रही है और उसकी सासू माँ उस समय पूजा में बैठी है, उस समय आप उसे प्रणाम कर लेते हैं, धरती के सभी देवता राजी हो जाते हैं आपके प्रणाम। ये नहीं है कि तुम अपने कमरे में से निकले और चाय बनाने के लिए घुस गए, माँ को सासू ससुर को वंदन। आजकल तो बहुएं बिल्कुल घरों में भी माहौल बिल्कुल बेटी जैसा ही देखने को मिलता है। जो पोशाक आप अपने पियर में पहनती है वही आजकल ससुराल में पहनती है। हाँ तो अब कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग सा लगता है। ठीक है, बढ़िया है, युग के हिसाब से ठीक है। माता पिता सास ससुर की उम्र, वो माता पिता और ये सास ससुर, इनकी 100 साल उम्र और ज्यादा बढ़ जाएगी जिस घर में बहुएं इनको त्रसित नहीं करती, परेशान नहीं करती। इनसे कभी इनके बेटे को अलग मत करना। कभी कभी बेटा फूट फूट के रोता है, वो मम्मी पापा से अलग नहीं होना चाहता। बुरा मत मानिए, मेरी बहनें अपने आदमी को लेके अलग हो जाती हैं और ये उन देवियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। पुण्यों में क्षीणता होती है,